चलिए, ये लॉगिन पेज है भाई, और इसकी कोडिंग कर रहे हैं सब। आप लोगों ने सबने लॉगिन पेज बनाया होगा। अब किसी के में पेशेंट लॉगिन कर रहा होगा, किसी के में कस्टमर लॉगिन कर रहा होगा, किसी के में स्टाफ लॉगिन करेगा, किसी के में, है ना, ऐसे ही सबके में लॉगिन हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो भाई लॉगिन करने के लिए, अब जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल तो है, ओहो पेशेंट लॉग इन करेगा क्या, ये भी बेचारा नहीं कर पाएगा। चलिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल आपके पास तो बनी हुई होगी, कस्टमर नाम की, ठीक है, कस्टमर या पेशेंट जो भी है आपके में, कस्टमर पेशेंट डॉक्टर जो भी है, उसी टेबल में नीचे यूजर नेम पासवर्ड होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है उसी में यूजर नेम। आप जब जीमेल पर अकाउंट बनाते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड तो वहीं पे डालते हैं ना अकाउंट बनाते वक्त, तो जिस टेबल में अकाउंट की डिटेल्स जा रही होती है उसी टेबल में रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है जी। सर रजिस्ट्रेशन स्टाफ और कस्टमर दोनों का सबका सकते होगा रजिस्ट्रेशन। हाँ क्या है, चलना जल्दी आएगा, तेरे से बोला था ना आगे बैठ। कस्ट नेम, कस्ट सी एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी ले लेते हैं उसकी। आप लोग तो उन्हें तो बना लिया होगा डेटाबेस, वही वही फील्ड्स ली होंगी जो वहाँ पर होंगी। देन सेक्स ले लेते हैं, यहाँ से क्यों ले रहा हूँ मैं सारी, यहाँ से भी तो ले सकते हैं। सेक्स हो गया, यूजर एनएम। भाई एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है ना हमें प्रोजेक्ट्स में, वो है नामों में स्पेस देना। आप लोगों ने भी खुद कितनी फील्ड्स बनाई होंगी, कस्टमर एड्रेस, कस्ट स्पेस एड्रेस कर दिया होगा, और अगर आपने कहीं भी फील्ड नेम में स्पेस लिया है तो इस बात का ध्यान रखें कि फील्ड नेम में स्पेस लेने का मतलब है आपने अपने लिए प्रोग्रामिंग के समय पर मुश्किलें खड़ी कर ली, वो नहीं कैच करता। प्रोग्रामिंग फील्ड स्पेस नेम, जिनमें भी फील्ड नेम में स्पेस होगा उन्हें नहीं कैच कर पाएगी। सो कोशिश करें कि या तो अंडरस्कोर लगाएं या तो ना लगाएं। मेरे को देखो, मैं तो कुछ नहीं लगाता। यूजर एनएम, देन पासवर्ड, पूरा यूजर नेम और पासवर्ड ना रखें फील्ड का नाम, क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। पासवर्ड कर रहा हूं मैं, पासवर्ड नहीं करेंगे, यूजर नेम पूरा नहीं लेंगे क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। हो गया, और कुछ बहुत है, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह जो लेना हो आप लोग ले सकते हैं। अपडेट करा सर, कभी कभी इसमें एक वार्निंग के साथ बहुत लंबा टेक्स्ट आ रहा है, उसको क्या करना है। सर अपडेट नहीं होता, नहीं अपडेट का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन वो वार्निंग शो करता है। वार्निंग क्या है ये बताओगे तब पर? कुछ गलती बहुत कर लंबा रहा हूँ पैराग्राफ तो आ वो रहा है क्लिक सर। करके ले आते हैं तो मैं ले बता देता हूँ। नहीं वो एक बार जैसे हम फ्रेश टेबल बना रहे हैं, अब नहीं आएगा जब हम उसी टेबल में दोबारा वो, एडिट कोई करें। दिक्कत नहीं, अच्छा मैं बस तभी आ रहा हूँ, ठीक है जी। वो ये वार्निंग देता है, दोबारा एक टेबल को जब आप मॉडिफाई करो जाकर दोबारा से यहाँ पर, यहीं से जाके मॉडिफाई करोगे तो वो कई बार कहता है कि इसमें जो डेटा है वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ। ढेरों बातें कहता है, सुन लो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, तो वही कह रहे हैं। ठीक है जी। अब आइए डेटाबेस कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ASP.NET को और अपने डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करना होगा, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं, चलते हैं, एक बार करना होगा बस कनेक्शन, उसके बाद पूरी वेबसाइट का कनेक्शन हो जाएगा।
ये रहा हमारा डेटाबेस है ना, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज, ये रही कनेक्शन स्ट्रिंग, इस डेटाबेस से कनेक्शन बनाने का पाथ, ये पाथ यहां से कॉपी करेंगे, ठीक है भाई, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फाइल मिलेगी आपको web.config, यहां पर हम ग्लोबल सेटिंग्स करते हैं, ग्लोबल सेटिंग्स का मतलब जो सेटिंग यहां हो जाएगी वो पूरे एप्लीकेशन के लिए हो जाती है। तो मैं डेटाबेस का पाथ, डेटाबेस का कनेक्शन यहां सेट कर रहा हूं, web.config में कनेक्शन सेट करने का फायदा ये होगा कि पूरे एप्लीकेशन के लिए सेट हो जाएगा, बार बार पाथ सेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे भी हमें कनेक्शन चाहिए होगा इसी की सेटिंग्स को कॉल कर लेंगे, सही है। कल को ये वेबसाइट किसी दूसरे बंदे के सिस्टम पे चलानी होगी, उस सिस्टम पर ले जाएंगे, ये वाली फाइल खोलकर उस सिस्टम का पाथ दे देंगे, पूरी वेबसाइट चल पड़ेगी, यानी किसी भी सिस्टम पर चलाना होगा बस अपनी वेबसाइट को उस सिस्टम पर रखिए और web.config फाइल खोलकर वहां पाथ चेंज कर दीजिए, ये वेबसाइट चल पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक पेज का कोड चेंज कीजिए, किसी भी सिस्टम पर चलेगी। कोड क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग्स एड नेम, वेरिएबल का नाम जिसमें पूरा कनेक्शन बनकर स्टोर होगा, नाम रख दिया डीबी कॉन, कुछ भी नाम रख सकते हो, डीबी कॉन अच्छा लग रहा है मुझे, डेटाबेस कनेक्शन। देन यहां पर वो पाथ पेस्ट करना है जो कॉपी कर रखा है मैंने, एरर आएंगी, ये एरर कॉमास की वजह से आ रही है, इन्वर्टेड कॉमास बीच में घुस गए होंगे, एक कॉमा बिल्कुल शुरू में होना चाहिए, डबल क्वोट्स एक बार शुरू में होने चाहिए, एक बिल्कुल स्टार्टिंग में होने चाहिए, ये रहा। अब क्योंकि बीच में घुस चुके हैं तो ये बीच वाले हटाने पड़ेंगे तभी ये एरर हटेगी, ये बीच में देखिए एमडीएफ के पास एक आ चुका है, इसे हटाएंगे और एक यहां, सारी एरर्स ठीक, पाथ सेट हो गया, ठीक है जी। ये रहा पूरा पाथ कनेक्शन स्ट्रिंग में से, दो डबल कॉमा हटाए, एक आगे एक पीछे लगा था, आपका सही हो गया, एक यहां लगा था एमडीएफ पर और एक यहां लगा था सी ड्राइव के, दोनों हटा दिया, एरर ठीक, पाथ सेट हो चुका है। अब जहां पर भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है उस पेज पर इस पाथ को कनेक्ट कर कॉल करना होगा, राइट। डेटाबेस का पाथ है ही, किस नाम से वेरिएबल बनाया हमने जिसमें ये पूरा पाथ स्टोर कराया, डीबी कॉन। तो चलिए लॉगिन पेज पर चलते हैं, इस लॉगिन बटन पर कोडिंग करेंगे, ठीक है। एक पेज बना लेते हैं, आप लोगों ने लॉगिन के बाद के वाले पेज का नाम क्या रखा है, होम, क्या नाम रखा है, होम पेज, होम पेज एएसपीएक्स। लॉगिन के बाद जो पेज खुलना है उसका नाम मैंने होम पेज डॉट एएसपीएक्स ना, ओ भाई इंडेक्स वो पेज है जो सबसे पहले खुलेगा। अब भाई क्या बोले जा रहा है, ये देखना पेज खुला, लॉगिन के बाद, लॉगिन के बाद जो सब कस्टमर के सामने जो सबसे पहला पेज खुलता है वो इंडेक्स होता है, इंडेक्स पेज पहले आता है, फिर लॉगिन पेज, लॉगिन के बाद होम पेज, होम पेज वो पेज होता है जो लॉगिन के बाद खुलता है, ध्यान रहे। तो मैं भी बना लेता हूँ, एक बना नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही, ठीक है। मेरे पास तो मास्टर पेज भी एक है, मैं तो उसी का चाइल्ड बना दे रहा हूँ, आप लोगों का तो इसका मास्टर पेज 2 का चाइल्ड बनाया होगा, इस पर ऐसे ही बस कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, वेलकम अभी के लिए। चलिए लॉगिन पेज पर चलते हैं, कोडिंग करते हैं, लॉगिन बटन पर क्लिक करा, ऊपर कुछ नेम स्पेस लगाने होंगे जिसमें हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड सारा रखा हुआ है, लाइब्रेरीज लगानी होंगी। द वेरी फर्स्ट वन इज यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, अगली क्लास थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको इसकी, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट,
ठीक है जी. देन यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फिग्रेशन, ये वाली जो लाइब्रेरी लगाई है, ये लगाई है हमने, ये नेम स्पेस लगाया है फॉर वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, ठीक है जी. और ये जो दो लगाई हैं, ये वाली, ये लगाई है डीबी कनेक्टिविटी, राइट, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एडियो डॉट नेट का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए. ये दोनों, कुछ क्लासेस ऊपर वाली में, कुछ तो आप ये मान लें आपके पूरे प्रोजेक्ट में जब भी कोडिंग होगी ये तीन आपको लगानी ही होंगी, किसी भी पेज की कोडिंग होगी ये तीन आपको लगानी ही होंगी. क्लियर है, सही है जी. चलिए लॉगिन बटन पर कोडिंग करते हैं. सबसे पहले कनेक्शन बनेगा डेटाबेस के साथ. कनेक्शन हमने कहाँ सेव करा है, वेब डॉट कॉन्फिग में, अभी वहीं पे पाथ बनाया ना. तो देखिए कनेक्शन कैसे बनता है. कनेक्शन के बनाने के लिए यहाँ SQL कनेक्शन नाम की क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, ब्रैकेट में पाथ देना होता है. पाथ हमने रखा हुआ है कहाँ, वेब डॉट कॉन्फिग में कनेक्शन स्ट्रिंग नाम के टैग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग नाम की प्रॉपर्टी है और वेरिएबल का नाम है डीबी कॉन्फिग. तो देखिए वेब डॉट कॉन्फिग को कोडिंग में क्या लिखते हैं. कोडिंग में वेब डॉट कॉन्फिग को लिखा जाता है कॉन्फिगरेशन मैनेजर, मीन्स वेब डॉट कॉन्फिग. ये हो गई वेब डॉट कॉन्फिग. इसके अंदर टैग किस नाम से बनाया था आपने, कनेक्शन स्ट्रिंग्स नाम से. आइए डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है जी, ब्रैकेट में डीबी कॉन इज द वेरिएबल, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज द प्रॉपर्टी. देख लो जो यहां लिखा है वही वहां हुआ है. कनेक्शन स्ट्रिंग टैग में डीबी कॉन नाम का वेरिएबल और कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी. ये देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग्स टैग में डीबी कॉन नाम का वेरिएबल, कनेक्शन स्ट्रिंग नाम की, बस कनेक्शन हो गया. डॉट नेट के बीच में और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बन चुका है. जब ब्रिज का निर्माण हो गया तो उसका ओपनिंग भी की जाए. जब तक आप कनेक्शन ओपन नहीं करेंगे तब तक डॉट नेट और डेटाबेस के बीच में डेटा का आदान प्रदान नहीं होगा, राइट. इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है ना, नेता लोग आते ही हैं तभी तो फिर कोई ब्रिज शुरू होता है काम करना. तो अब डॉट नेट और डेटाबेस के बीच में ब्रिज बन चुका है. अब डेटा का आदान प्रदान तभी होगा जब आप कनेक्शन बना लेंगे, सही है जी. लेट्स सी, ओपन कर दिया. अब डेटाबेसिस को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा है क्वेरीज की. तो आपको यहाँ भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो डेटाबेस में भेजनी है, और लॉगिन बटन के लिए सेलेक्ट क्वेरी लिखी जाती है, राइट. तो क्वेरी लिख रहा हूँ एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम बताओ कोई अच्छा सा. चलो क्यू आर वाई फॉर क्वेरी. क्वेरी लिख दी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, हमने क्या रखा टेबल का नाम, कस्टमर वेयर, फील्ड नेम क्या क्या है, यूजर नेम पासवर्ड वाली, यूजर एनएम और पासवर्ड, यूजर एनएम ऊपर कर दे रहा हूं ताकि सबको दिखे. वेयर यूजर एनएम इक्वल टू एट द रेट t1, जो यूजर से लेना है ना वहां पर आप ये लिख देंगे. एंड दूसरी फील्ड पासवर्ड इक्वल टू एट द रेट t2. दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए एट द रेट t1 नाम से, एट द रेट t2 नाम से. इन्हें SQL वेरिएबल्स कहा जाता है. ये यूजर की डाली गई वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो डालेगा वो वैल्यूज डेटाबेस तक पहुंचाएंगे, स्केलर वेरिएबल्स. इन्हें स्केलर वेरिएबल्स बोला जाता है, राइट. आइए अब इनको वैल्यू दें.
SQL connection नाम की जो क्लास है इसका इस्तेमाल किया जाता है .NET और डेटाबेस को जोड़ने के लिए, ब्रिज का निर्माण करने के लिए। दोनों टेक्नोलॉजीज के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ब्रिज बन गया, ब्रिज ओपन भी हो गया, लेकिन ब्रिज पे चलती कौन है? गाड़ियां, व्हीकल चाहिए, जो माल लेकर जाए, लोगों को लेकर जाए, लाए, वो SQL कमांड क्लास है। नाम से समझ में आ रहा होगा, SQL कमांड को ले जाने वाली। SQL कमांड मतलब क्वेरी, आपकी क्वेरी को डेटाबेस में पहुंचाना और रन करवाने की जिम्मेदारी इस SQL कमांड क्लास की है। ये आपकी क्वेरी को ले जाती है डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसको बस चाहिए दो चीजें, एक आप क्वेरी बताओ, दूसरा कहां जाना है उसका रास्ता बताओ। मैंने दोनों चीजें इसे पैरामीटर के तौर पर दी हुई हैं। मैंने क्वेरी भी दी हुई है और साथ ही साथ डेटाबेस का पाथ भी दिया हुआ है। कौन नाम का मेरे को उसी में बनाया ना कनेक्शन, ये बंदा क्वेरी ले जाएगा, बट इसको आपको दो चीजें देनी होंगी। क्वेरी में आपने दो पैरामीटर्स लिखे हैं, उनकी वैल्यूज कौन देगा? सही है भाई? तो मैंने लिखा सीएमडी भाई आपको दो पैरामीटर्स दे रहा हूं। आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, एक T1 नाम से और एक T2, उनकी वैल्यू दे रहा हूं। एक है @T1 नाम का, उसकी वैल्यू उठा लो टेक्स्ट बॉक्स। क्या नाम है पहले टेक्स्ट बॉक्स का? टेक्स्ट बॉक्स 1, इसका टेक्स्ट बॉक्स 2। पहले वाले वेरिएबल की उठा लो टेक्स्ट बॉक्स, आना चाहिए अपने आप। इंटेलिजेंस बंद हो जाए ना तो फिर दिक्कत करता है, दोबारा खोल लो, अब चलेगा। टेक्स्ट बॉक्स 1.txt, पहली वैल्यू यूजर नेम उठा लेगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से, और दूसरी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 से, डेटाबेस में उसे एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है जी, सो सेलेक्ट कर क्वेरी भेजी डेटाबेस में, यूजर से पासवर्ड और यूजर नेम लेना था, इसलिए जहां जहां यूजर से वैल्यू लेनी है वहां वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है जी, हमारी क्वेरी को डेटाबेस में ले जाने के लिए नाम से याद रखो SQL कमांड, जो हमारी SQL कमांड को डेटाबेस में ले जाएगी और एग्जीक्यूट कराएगी। लेकिन क्योंकि उसके पास दो जितने पैरामीटर लिखोगे ना उतने पैरामीटर्स की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब दो पैरामीटर क्वेरी को, जितने पैरामीटर आप क्वेरी को दोगे भाई उनकी वैल्यू देनी आपको पड़ेगी, वरना एरर आएगी, वो कहेगा अनडिफाइंड स्केलर वेरिएबल्स। एग्जीक्यूट रीडर यानी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देना डेटाबेस में और आउटपुट को रीड कर लेना। एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड रीड द आउटपुट, आउटपुट रीड नहीं करोगे? अगर मैच नहीं हुआ तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, मैच हुआ तो होम पेज 2 खुल जाएगा, तो वो भी तो दिखाना है। तो यहां पर वहां से आने वाले रिजल्ट को रीड करने के लिए SQL रीडर नाम की क्लास है, डेटा रीडर। ये क्या करेगा, डेटाबेस में आपकी क्वेरी को ले जाएगा, एग्जीक्यूट कराएगा और एग्जीक्यूट करा के जो भी रिजल्ट आएगा वो इस DR में स्टोर कर देगा। आपने जो यूजर नेम पासवर्ड भेजा वो डेटाबेस में गया, एग्जीक्यूट हुआ, अगर मैच हो गया तो DR में वो पूरा रिकॉर्ड उठकर आ जाएगा। DR में, इस DR वेरिएबल में वो पूरा रिकॉर्ड उठकर आ जाएगा, जिससे आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच होगा वो पूरा रिकॉर्ड उठकर इस DR वेरिएबल में आ चुका है। चेक कर लेते हैं, अगर DR खाली है तो इसका मतलब मैच नहीं हुआ, और अगर DR में कुछ आया है डेटाबेस से तो इसका मतलब मैच हुआ है। अगर आपकी क्वेरी डेटाबेस में जाएगी, आपका यूजर नेम पासवर्ड मैच होगा,
तो DR में वो यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है? वो यूजर नेम पासवर्ड कह रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। मैंने स्टार लिखा है ना, स्टार मतलब होता है पूरा रिकॉर्ड। अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में मैच हुआ तो इस DR वेरिएबल में पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठकर आ जाएगा उस बंदे का जिसका यूजर नेम पासवर्ड मैच हुआ है। मैं इस DR को चेक कर रहा हूँ कि क्या DR खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो वहीं के वहीं मैसेज दे दूंगा तेरा पासवर्ड ना यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो देखिए मैं कैसे खाली चेक कर रहा हूँ, इफ अगर DR को रीड करने पर डाटा मिला, मीनिंग समझिए, DR.read means अगर यदि DR.read यानी DR को रीड करने पर डाटा मिला तो क्या होगा, होम पेज 2 खुल जाए, response.redirect homepage2.asps, वरना else अपने लॉगिन पेज पर भाई यहाँ एक टूल बॉक्स से लेबल लगा देते हैं, उस लेबल में लिख देते हैं कुछ भी नहीं, उस लेबल को कर देते हैं हाइड, ठीक है बच्चा? लेबल को विजिबल फॉल्स कर दिया है, कोडिंग से ट्रू करेंगे। अगर मैच हो गया तब तो होम पेज 2 खुल जाएगा, वरना लेबल कौन सा था वो लेबल जो लगाया, लेबल 3, वरना label3.visible=true होगा, label 3 दिखेगा और उस पर लिखा हुआ आएगा invalid username या password, that's all। नीचे con.close कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, ठीक है भाई? और सबको क्लोज करना होगा यार, dr.close, ठीक है जी? दैट्स इट। अगर आपका आपने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला है दोनों टेक्स्ट बॉक्स में, वो इस क्वेरी में जाएंगे, पूरी क्वेरी मैच हो जाएगी तो DR में आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर DR को रीड किया गया उसमें डेटा मिला तो होम पेज 2 खुलेगा, नहीं मिला तो आपके सामने एक लेबल आएगा जिस पे लिखा होगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो भाई आपको हर कोड के आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कमेंट भी लिखने होंगे, 5 marks फॉर कमेंट्स पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। दूसरा फायदा यह है कमेंट्स का कि पेपर में वो आपके सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट घुमा देगा कि ये कोडिंग समझा दो, तो अगर आपने कमेंट्स पहले ही लिख रखी हैं तो याद करने का झंझट बचा, कमेंट्स लिख रखी हैं तो उन्हें ही पढ़ पढ़ के सीधे सीधे समझा दोगे आप, दूसरा फायदा। लेकिन 5 number प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कमेंट्स के भी होते हैं। चलिए तो सबसे पहले में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं DB कनेक्शन, सही है भाई? अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं DB कनेक्शन। तीसरी लाइन में है ना SQL क्वेरी है ये, राइट? चौथी लाइन में हम लोग सेंड कर रहे हैं क्वेरी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है? फिर पासिंग पैरामीटर्स टू द क्वेरी, दोनों की हो गई वो तो, ठीक है? एग्जीक्यूट हो रही है इस लाइन में SQL, इससे आपको क्या है क्वेरी, आपको कोड समझ में भी आएगा। क्वेरी अगर इफ रिकॉर्ड मैच्ड, अगर रिकॉर्ड मैच हुआ तो होम पेज 2 खोलेंगे, ठीक है जी? ओपन होम पेज 2,
इफ रिकॉर्ड या इफ अनमैच्ड काफी है इतना, है ना? तो भाई वो तो दिख ही रहा है इतना काफी है ना। सेव करते हैं इसको, लॉग इन पेज, जो पेज खुला है उसे ही रन करना है भाई, ध्यान रहे जो खुला होता है वही रन होता है। सही है बच्चा, कुछ गलत डालते हैं। QWER, ठीक है, लॉग इन करा, सही है, दिख रहा है? अब सही डालते हैं, सही के लिए पहले डेटाबेस में एक डाल तो आए, इसीलिए कहा था डेटाबेस बनाकर एक एक दो दो रिकॉर्ड डाल देना। सर ये पासवर्ड ब्लैंक क्यों हो गया? पासवर्ड ब्राउजर ब्लैंक कर देते खुद ही, हर ब्राउजर कर देता है पासवर्ड ब्लैंक। ये रही कस्टमर, शो टेबल डेटा, एक डेटा डाल देते हैं 101 अमित दिल्ली ASD@gmail.com मेल, यूजर नेम अमित, पासवर्ड अमित, गलत पे तो आपने देख लिया, अब बारी है सही की। तो सही है अमित एंड अमित, लॉग इन होम पेज टू नॉट फाउंड, बनाया तो था सर, अच्छा होम पेज है खाली, ओके ओके, कोई तो बताना था ना कोडिंग में होम पेज है खाली। ठीक है भाई, सही है बच्चा, वेलकम। ठीक है, आप सब लोगों ने चेंज पासवर्ड वाला पेज भी बनाया होगा, उसमें एक दो पैनल है, एक पैनल वन एक पैनल टू, ध्यान से सुनेंगे, एक पैनल वन एक पैनल टू चेंज पासवर्ड वाला पेज। पैनल टू जो है उसकी विजिबल फॉल्स कर देंगे, पैनल टू को विजिबल फॉल्स कर देंगे, पैनल वन पर रिकॉर्ड तो यही होगा, बटन जो बनाया है यही, ठीक है। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्लास ही बता, अभी पहले इतना, अभी नाम लाए नहीं ना भाई,